तो अब ये निश्चित हो गया कि लवकुश के राज्य अभिषेक के पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु। एक ही क्षण में पराया कर दिया आपने अपने इस भक्त को। मैंने तो आपको पिता, बंधु, सेवक, सखा सब माना था प्रभु, किंतु आपने विस्मृत कर दिया अपने इस हनुमान को। लंका भेजना था तो मुझे स्मृत किया गया, माता को ढूंढना था तो आपने मुझे कहा, लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी लाने के लिए मुझे ही भेजा गया प्रभु। किंतु अब क्यों पराया हो गया आपका हनुमान? ऐसा नहीं है हनुमान, ऐसा नहीं है प्रभु। अश्वमेध की दिग्विजय यात्रा के लिए शत्रुघ्न एवं पुष्कल की रक्षा का कार्य आपने मुझे सौंपा। गंधर्वों से युद्ध के लिए भरत भैया के साथ आपने मुझे भेजा। तीर्थ यात्रा के लिए आपको मेरा ही साथ स्वीकार था प्रभु। अब जब अंतिम यात्रा का निर्णय लिया गया तो प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जल समाधि लेने का समय आया तो हनुमान नहीं। इसीलिए ना प्रभु कि मैं आपका कोई नहीं हूं, मात्र एक सेवक हूं, बाहर से आया हुआ एक वानर हूं। यही है ना प्रभु? नहीं हनुमान, नहीं, ये सत्य नहीं है जो तुम सोच रहे हो। धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं प्रभु? मेरे नेत्रों के समक्ष अंधकार छा रहा है, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। आपके लिए सब कुछ होने वाला हनुमान एक ही क्षण में कुछ नहीं रह गया आपके लिए, पराया हो गया हनुमान। शांत हनुमान, शांत। मैं तुम्हें पराया कैसे कर सकता हूं हनुमान? क्या हृदय स्पंदन को पराया कर सकता है हनुमान? जितना बिछोह का दुख तुम्हें, उतना ही दुख मुझे भी है। जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन पल आते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। जो आता है सो जाता है, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तुम क्या सोचते हो, जब सीता के जाने का समय आया था तो क्या मैं उन्हें रोक नहीं सकता था? किंतु मैंने वो किया जो नियति ने निश्चित किया था। जाने दिया, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नेत्रों के समक्ष अपनी प्रिय सीता को जाने दिया, समाने दिया धरती में। हनुमान, जैसे मैंने बिछो का विष पीकर सीते को जाने दिया, ऐसे ही तुम मुझे भी जाने दो। प्रभु,
आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान कर्म योगी हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, किंतु मैं तो मात्र एक वानर हूं, आपके भक्ति में डूबा हुआ, मुझसे आपका विच्छोह नहीं सहा जाएगा प्रभु। प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया की भांति मैं भी आपके साथ जल समाधि क्यों नहीं ले सकता प्रभु? मैं भी आपके साथ ही अपने जीवन का अंत करूंगा प्रभु। नहीं हनुमान, तुम्हें अपने अवतार के शेष उद्देश्य अभी पूर्ण करने हैं। राम राज्य का विस्तार करना है तुम्हें, हर युग में राम नाम के प्रचार प्रसार का दायित्व निभाना है तुम्हें। प्रभु आप क्षमा करें, मेरा कुछ दायित्व है तो फिर आपका भी कुछ दायित्व है। लवकुश के प्रति अल्प आयु में ही उनसे माँ का साथ छूट गया और अब वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। प्रभु ये कदापि उचित नहीं है, आपके बिना कोई नहीं संभल पाएगा प्रभु, कोई नहीं संभल पाएगा। इसलिए प्रभु मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा। नारायण नारायण, हनुमान तो प्रभु प्रेम की भावना में बहकर अनियंत्रित हो रहे हैं। यदि इन्होंने ठान लिया कि प्रभु श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे तो संसार की कोई भी शक्ति इन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। इस बात का मुझे भी भय है नारद जी, हनुमान का प्रेम हट किए जा रहा है, कहीं श्री राम। बस हनुमान, बस, तुमने सदैव मेरे निर्णय का मान रखा है, मैंने जो कहा तुमने किया, किंतु आज मेरे जीवन के अंतिम निर्णय में तुम मेरा विरोध कर रहे हो हनुमान, हट किए बैठे हो। किंतु प्रभु, अब और नहीं हनुमान, और नहीं, नियति है ये, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। लव कुश का राज्य अभिषेक होगा, तत्पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। ये मेरा अंतिम निर्णय है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लवकुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ करो। राम कपी न परस्पर समझे, मर्यादा और प्रेम ही उलझे। लव कुशित राजा अभिषेका, उत हनुमत मन जागृत चिंता। नहीं मन लागे कहीं हनुमाना, कर गए दूर कपी प्रस्थान। सब हु भावुक घड़ी दुखदाई, किंतु कोई भी कह नहीं पाई। सियाराम सियाराम जय हनुमान, आशीष लव कुश सबसे पाई। ओझल सब से रही कपिराई,
लव कुश अवध के अबहु नरेशा, किंतु निरुत्साही श्री कपीशा। हनुमान राज्याभिषेक छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ है। माता, भोले बाबा, शांत हो जाओ पुत्र, क्या हुआ हनुमान? माता, आपसे क्या छुपा है? प्रभु श्री राम जल जल समाधि लेने जा रहे हैं, किंतु मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया उन्होंने। उनके बिना मैं भला कैसे रह पाऊंगा प्रभु? अब आप दोनों चलकर प्रभु को रोकिए ना, माता बाबा रोकिए ना। भोले बाबा, आपके इस पुत्र ने कभी आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे अपना संसार मांग रहा हूँ। माता, मेरे जीवन का स्रोत मांग रहा हूँ मैं आपसे। एक पुत्र की पीड़ा माँ ही समझ सकती है माता। प्रभु श्री राम से ही हनुमान का अस्तित्व है, यदि प्रभु नहीं तो मैं भी नहीं। प्रभु के बिना निष्प्राण देह की भांति भटकता रहेगा यह हनुमान। आप माता प्रभु मेरी सहायता कीजिए। शांत हो जाओ पुत्र हनुमान, तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे, तुम्हारा दुख हम समझते हैं। माता, तो आप अपने पुत्र को पीड़ा से मुक्ति दिलाइए ना, अन्यथा चलिए देवी श्री राम के पास। प्रभु शीघ्र चलिए, आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं, लवकुश का राज्य अभिषेक अब तक संपन्न हो चुका होगा। के राज्य अभिषेक का कार्य पूर्ण हुआ, अब समय आ गया है कि मैं अपने राजधर्म के दायित्व को पूर्ण करूं एवं इन दोनों बालक राजाओं को राजभार सौंप दूं। राजा के रूप में मेरा एक अंतिम कार्य शेष है जिसे मुझे पूर्ण करना है। वो कार्य है
एक दंड की घोषणा। अनुज लक्ष्मण ने एक वचन तोड़ने की भूल की थी और उस वचन को तोड़ने का दंड निर्धारित किया गया था, मृत्यु दंड। अतः मैं लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। मृत्यु दंड के फलस्वरूप लक्ष्मण को सरयू नदी में जल समाधि लेनी होगी। आपका आदेश शिरोधार्य है भैया। ये आदेश राजा राम का था, किंतु एक भाई का यह निर्णय है कि लक्ष्मण मेरी परछाई है, मेरे सभी भाई मेरी ही देह के भाग है। यही नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं भरत एवं शत्रुघ्न भी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेंगे। मैं जानता हूं यह निर्णय आप सभी के लिए महापीड़ादायक होगा, किंतु इसे अन्यथा ना लें, यही विधि का विधान है, इसे स्वीकार करें। कहां रह गए हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा था कि वो हमें इस संकट से उबारेंगे। हनुमान जी, महादेव और माता पार्वती को यहाँ लाकर अच्छा किया संकट मोचन हनुमान ने। हाँ, अवश्य अयोध्या पर आए हुए संकट का भी मोचन कर देंगे हनुमान। महादेव, माता महेश्वरी, आप अकस्मात ही यहाँ? हाँ श्री राम, इस समय तो हमें आना ही था यहाँ। अब मेरे भोले बाबा एवं माता प्रभु से रुकने का आग्रह करेंगे और भोले बाबा और माता का आग्रह प्रभु नहीं टाल पाएंगे। मेरे इष्ट देव श्री राम इस संसार से प्रयाण करने वाले, मैं अपने इष्ट के अंतिम दिव्य दर्शन करने कैसे नहीं आता? ये महादेव क्या कह रहे हैं प्रभु से? मैं तो इन्हें प्रभु को रोकने के लिए यहाँ लाया था। मैं भी धन्य हो गया जीवन के इन अंतिम क्षणों में आप दोनों के दर्शन पाकर। जय जय राम राघव रघुवीरा, तुम हो सुजान सुशील सुधीरा, तुम संकट कष्टों के हारक, तुम दुर्जन दुष्टा संहारक। तुम्हारी दृष्टि से दुख छूटे, तुमसे जन्म मरण बंध टूटे, तुम संसार सागर के तारक, तुम ही चेतना के संचारक। तुमरे जप से कटे सब पीरा, तुमको नमन है श्री रणवीरा। भक्त हूँ इसलिए अपने भगवान की स्तुति गाने से मैं स्वयं को रोक नहीं सका, किंतु प्रभु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ।
और भोले बाबा, मैं आपसे भी सहमत नहीं हूँ। आप तो मेरे प्रभु को समझाने आए थे ना? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ हनुमान। होनी होकर रहती है, उसे टाला नहीं जा सकता। जीवन और मरण का कालचक्र सदैव चलायमान रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान, श्री राम के इस अवतार का समय अपूर्ण हो चुका है। हाँ हनुमान, अब इन्हें जाना ही होगा। तुम जितना शीघ्र ही इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा पुत्र। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। समस्त ऋणों से मुक्त होकर एवं पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर लेने के पश्चात मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की तैयारी करनी चाहिए।